जा रहे हैं। बहुत अच्छा ये व्लॉग है आज का, आपने देखना है आखिर तक। अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी, अभी मैं जाता हूँ और जाकर टिकट्स वगैरह लेता हूँ टिकट घर में। तो ये पूरा व्लॉग आपने आखिर तक देखना है। अच्छा जी, ये टिकट हमारे हो गए। खचा खच भरी हुई है, तो इसमें बैठने की भी जगह नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं जी जगह कहां पर है बैठने की। यहां पर हीटर भी लगा है, ठंडक का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा और ये साफ़ सुथरा है और शोर शराबा भी यहां पर नहीं है। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है इस ट्रेन में जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं। अच्छा, सफाई भी अच्छी है, इंतज़ाम। वो जुर्माना लिखा हुआ है, अच्छा 2000 रुपये जुर्माना। और ये अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। अभी हम दूसरी जनम जाते हैं जहाँ शोर भी है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी शोर की, क्योंकि ये दूसरा डिब्बा है। ये हम दूसरे डिब्बे में आ गए, शोर वाले डिब्बे में, और ठंड भी है यहाँ पर। रिम जिम यार, अभी यहाँ से एक सुरंग आएगी, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से आगे पहाड़ के अंदर से हम गुजरेंगे जी, सुरंग आएगी अभी। ये पहाड़ के अंदर से ये सुरंग आ गई है जी। अभी सुरंग खत्म हो गई है जी पहाड़ के अंदर से। टेक्सला ही के बनाए और गला टेक्सला से हम अभी गुजर रहे हैं, और जो बादल हैं वो काफ़ी करीब आ चुके हैं हमारे, ठंड काफ़ी ज़्यादा लगी। सोलर पैनल लगे हुए हैं जी यहाँ पर, यहाँ कोई काम हो रहा है जी, शायद पुल बनाया जाए। बारिश अभी भी जारी है। गोड़ा जंक्शन है ये, और ये अंग्रेज़ दौर की बनी कुछ मशीन पड़ी हुई है, RCMM इसका नाम है। और ये गोड़ा शरीफ आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। ये बड़ा खूबसूरत जंक्शन है, आपको दिखाते हैं यहाँ से आगे जो व्यू आएगा वो बड़ा दिलकश, बड़ा खूबसूरत। ये देखिए गोड़ा, अच्छा ये 1881 इस पर लिखा हुआ है, और टेक्सला का जो स्टेशन है वो भी 1881 में तमीर किया गया था। यहाँ से देखिए ये छोटा सा इंजन जो है ये पड़ा हुआ है, गोड़ा शरीफ जंक्शन ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये म्यूज़ियम की सैलून है जी, यहाँ पर हमें एक एहलकार ने, रेलवे वाले ने बताया। तो ये बड़ा अच्छा आप नज़ारा देख रहे हैं। ये देखिए ये क्या मशीन होती है जी, ये वाली क्रेन है। अच्छा, ये उस वक्त की क्रेन है। और ये पिंडी पहुंच चुके हैं हम। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। पिंडी में बारिश जारी आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त हम रावलपिंडी पहुंचे हैं जी, और बारिश बदस्तूर जारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बारिश अभी तक है। ये जी रावलपिंडी स्टेशन से हम लोग निकल गए हैं जी, गाड़ी कम बेश आधा घंटा यहाँ पे स्टॉप किए गाड़ी ने। चकलाला स्टेशन,
और ये बहुत ही छोटा सा स्टेशन है चकलाला का। मज़ीद जितनी एक्टिविटी आपको देखेंगे हमारे साथ ही रहिएगा। चकलाला इस्लामाबाद, और ये है चकलाला। मेट्रो भी जा रही है ऊपर, आला रेलवे स्टेशन। स्याला से आगे कोवाला जाएंगे। ये स्याला रेलवे स्टेशन बड़ा खूबसूरत लेकिन छोटा सा रेलवे स्टेशन है। ये साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है। देखना देखना देखना, बत्ती गोदाम लिखा हुआ है। और ये गुड बाय स्याला, और मौसम स्याला। बड़ा खूबसूरत एरिया, और परिंदे इसके ऊपर उड़ रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे जी। ये हमारा गुजर खान का रेलवे स्टेशन है। वाह जी वाह, ये यहाँ का टिकट घर है, यहाँ से हम लेंगे टिकट। नमाज का जोर का वक्त है जी, अभी जाते हैं मस्जिद, यहाँ ढूंढते हैं जी, देखते हैं कहाँ पर है। ये सामने ही मौजूद है जी मस्जिद, जहाँ जोर की नमाज हम पढ़ेंगे, और उसके बाद की एक्टिविटी आपको हम दिखाते हैं। अभी नमाज टेक्सला के मुकाबले में यहाँ का रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन ठीक ही है। अलबत्ता परिंदे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें डफ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ हम माशाल्लाह से अभी चाय पियेंगे चाचा जी से, बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, और देखते हैं अभी थोड़ा ज़रा कड़ सोस, ठीक है ना, मीठा पत्ती अटैट हो, ठीक है ना। अच्छा, इतों डायरेक्ट टैक्स लेनी कोई नहीं होनी, ट्रेन श्रेन मैं नहीं पिछू, या नहीं डायरेक्ट कोई नहीं, नहीं। अच्छा अवामी ऐसी ठहर के घंटे खंडे है ना, पौने एक अद्धे घंटे है, चलो अधे घंटे तक, चलो ठीक है। तुम तार तक चाह पड़ाओ, असी जरा बाहर खलते हैं। तैयार हो चुकी है, और समोसा जो है ये भी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देखिए बड़ा सा है, थोड़ा ठंडा, लेकिन चलें चाय के साथ जो है ना नोश करेंगे तो असाब बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। ये जी हमारे टिकट हो गए हैं जी, नाजरीन आप दोस्तों माशाल्लाह देख रहे हैं, ये हमारा टिकट घर
अच्छा टेक्सास से आते हुए एक बड़ा अच्छा दिलचस्प वाक्य देख लिया होगा। और ये शालीमार एक्सप्रेस सर सैयद एक्सप्रेस